हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब लोग दोहराइए।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग अपना हर शनिवार को जैसे गीता कक्षा पढ़ रहे थे उसकी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही फेमस श्लोक है ये, पर इसका मीनिंग सभी जगह गलत ले लिया जाता है, तो आज उसका जो सही मीनिंग है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग साथ में हैं, लाइन में हैं, चालू करें। पिछला रिवीजन हमने कर लेते हैं। पिछली बार वैसे बहुत कम आए थे बट फिर भी आए थे। क्या क्या हमने कवर किए थे पिछली बार याद है? हाँ, मैच फॉर्मूला हमने बताए थे, मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ये धर्म के चार पिलर हैं। और कोई दोहराना चाहेंगे? निष्काम कर्म योग के बारे में हमने चर्चा किए थे। निष्काम कर्म योग क्या होता है, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में हमें मनुष्य जीवन जो मिला है ये एक ऐसे व्हीकल की जैसा है, जो जैसे कंपनी में आप देखते हैं जो सीनियर लीडर हो जाते हैं उनको क्या होती है, ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, ज़्यादा अच्छा कैबिन मिलेगा, सेक्रेटरीज मिलेंगे और सुविधाएं और भी मिलेगी, पर्सनल व्हीकल मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो जीवात्माएं अपने आप को समझ गए हैं, अपने कर्म को समझ रहे हैं और अपने उनके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हो गए हैं, तो उन जीवात्माओं को ऐसे पर्टिकुलर लेवल आने पे क्या होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जीवात्माएं अनंत है, लाखों अनंत करोड़ों जीवात्माएं, अनंत जीवात्माएं, और ड्रेस शरीर जो है लिमिटेड है, 84 लाख, उसमें से मनुष्य शरीर 4 लाख मनुष्य शरीर। तो यह मनुष्य शरीर भी चेतना के आधार पर, कौन से जगह पे, कौन से एरिया में आप आ रहे हैं, भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होना ये और ज़्यादा दुर्लभ है। और अब इस दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ मनुष्य शरीर हम प्राप्त कर चुके हैं, तो इसका जो एकमात्र कार्य हमें बचता है, हमें पहचानना होगा कि क्यों हमें यह शरीर पर मिल रहा है, क्यों बार बार यह शरीर परिवर्तन होते जा रहा है, हमें हम ना चाहते हुए भी क्यों हम गलत कार्य में फंस जा रहे हैं। आप में से बताइए कितने लोग जानबूझ के गलत कार्य करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता है ना, कोई भी जानबूझ करके परेशानी अपने सिर मोल नहीं लेना चाहता है ना। आपसे अगर पूछा जाए 7 दिन में आप कितने दिन खुश रहना चाहते हैं, कितने दिन सुखी रहना चाहते हैं? 7 दिन, 6 नहीं, 5 भी नहीं, 7 दिन है ना। 7 दिन हम खुश रहना चाहते हैं ना, 7 दिन हर परेशानी से मुक्त रहना चाहते हैं, फिर भी ना चाहते हुए कितनी सारी परेशानी हमारे ऊपर आ जाती, कितनी सारी मुसीबतें, कितने सारे बुरे कर्म हमारे ऊपर आ जाते। एक बार एक बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर था, टेनिस प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का था वो, और वो कई सालों से क्या हो रहा है, कई सारे चैम्पियनशिप जीतते आ रहा है। टेनिस में अलग अलग चैम्पियनशिप्स होते हैं, है ना,
जैसे आप सुने होंगे विंबलडन चैंपियनशिप, तो ऐसे चैंपियनशिप ट्रॉफीज होते हैं, तो कई साल से वो ट्रॉफीज जीतते आ रहा था। एक बार क्या हुआ, बीमार गिर गया वो, तो रिपोर्टर्स आ गए और उससे सवाल पूछ रहे थे, हाउ आर यू फीलिंग, आप इतने साल से ट्रॉफी जीत रहे हैं, इतने साल से आप बिना ब्रेक के विनर रहे हैं, सेकंड रैंक भी नहीं, विनर, ट्रॉफी वाला विनर है ना, तो आप इस साल इवन पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाए इस बीमारी के कारण, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, हादसा हो गया था, तो उनसे उनकी ओपिनियन पूछ रहे थे, क्या आपको कैसा लग रहा है, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके साथ इतना बुरा हो गया, भगवान इतने समय से आपको खुशियाँ दे रहे थे, पर अचानक ही आपके साथ इतनी लाइफ में हादसा हो गया, आप पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाए, और ट्रॉफी जीतना तो दूर की बात। तो बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, इतने लाखों लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इतनी लाखों है, उसमें से कुछ लोगों को टेनिस खेलना आता है, कुछ लोगों को टेनिस खेलना आता है, और कई ऐसे आने वालों में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता है, वो चैंपियनशिप जीतने के लिए सिलेक्शन कमिटी एक अलग होती है, वो सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेलेक्ट करती है कि आप चैंपियनशिप में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो वो सिलेक्शन के लिए कई सारे उधर भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बाद में सेलेक्ट होकर के आप चैंपियनशिप ट्रॉफी में आएंगे, तो कई सारे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और फिर सेलेक्ट हुए वालों में से ज़्यादा से ज़्यादा 84 या 4 के टेबल में होते हैं, या 84 हो जाएंगे या 64 हो जाएंगे, 64 ऐसे सेलेक्ट होते हैं, उसमें से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे फाइनल जीतते जीतते फाइनल पे जो आते हैं वो दो लोग आते हैं, लाखों में से दो लोग आए और फाइनली एक को ट्रॉफी मिलता है, और वो ये व्यक्ति था जो कि हमेशा से ट्रॉफी जीतते आ रहा था। क्या बोलता है ये कि मैंने इतने बार ट्रॉफी जीता, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया मैं ही क्यों ट्रॉफी जीत रहा हूँ, मेरा जो अपोनेंट है वो क्यों नहीं जीत रहा है, तो जब अब मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, नहीं जीत पा रहा हूँ, हु एम आई टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं क्यों क्वेश्चन पूछूँ। तो जब हम पे खुशियों की बारिश होती रहती है, हम पे बहुत सारे आशीर्वाद की बारिश होती रहती है, हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। प्रश्न कब उठाया जाता है ना, जब कोई दुख का एक बूंद भी गिर गया। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन था, वो अपने अमेरिका रॉब जताता था, तो एक बार फिर एक ऐसे कोई संतगण आए उसके पास। संतगण आकर के क्या बोलते हैं कि आप यज्ञ किया करिए, ब्राह्मणों को दान करिए। बोले ठीक है, दान कर देंगे। तो हर एकादशी को उसने यज्ञ करना चालू किया, और क्या दान करना है ये सोचते रहा। तो बोला कि जो लोग एक रूम में, मैं सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दूंगा, सारे कपड़े, बर्तन, राशन पानी सब रख दूंगा, जिसको जो लेना जाके वहाँ से ले लेना। तो ऐसे वो कई सालों तक करता रहा, हर एकादशी को यज्ञ करता था, जो भी लोग आते थे रूम में जाते थे, जिसको जो लेना है लेके जाते थे। फिर भी कई समय के बाद में उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चलने लगा, कुछ बीमारी आने लगी, बिजनेस में डाउन होने लगा। फिर से वो संत से जाके पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने समय से मैं ये हो रहा हूँ। तो बोले कि आपके निगेटिव कोई बोल रहे हैं, आप इतना दानी हैं, ये हैं, पर आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग जलते बढ़ते चले जा रहे हैं। अगली बार क्या करिए, जब आप इतने सारे लोगों को वहाँ दे रहे हैं, अब अगली बार जब यज्ञ करेंगे तो रूम में आप जब बहुत सारा चीज़ वहाँ रखते हैं देने के लिए, वहाँ पे आप बाउंसर्स को रखिएगा, जो जो भी आएंगे वहाँ पे लेने के लिए सबको पकड़ पकड़ के मारिएगा पकड़ के। बोला ऐसा सही में, बोला ठीक है, किया उसने वैसा। और फिर सब लोग इतने ज़्यादा गाली देने लगे, इतनी ज़्यादा बुरा भला उसको बोलने लगे, और फिर वो हैरान हो गया, इतने सालों से मैं उसको, इन सभी लोगों को इतना चीज़ देते आ रहा हूँ, एक बार क्या हो गया, गुस्सा पड़ गया, इतना ज़्यादा बुरा बोलने लग गए, हैरान हो गया। तो ईर्ष्या, द्वेष,
कितना ज़्यादा होता है। तो कई बार यह परिस्थिति इस एग्जाम्पल को किससे कंपेयर किया जा रहा है, वो जो रिच बिजनेसमैन है जो कि सब कुछ प्रोवाइड करते जा रहा है, वो कौन है? कृष्ण भगवान। अनंत काल से हमें अनंत चीज प्रोवाइड करते जा रहे हैं, कई सारे चीजें। आप में से इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, आप कितने लोग सोच के आए थे कि यहाँ आके आप सांस लेंगे? सोच के आए नहीं है ना, सांस ले ही रहे, मिल ही रहा है। कोरोना के समय में सांस की वैल्यू पता चली थी, एक एक दिन का जो वैल्यू था 9000 वेंटिलेटर पे आईसीयू में है ना, एक एक दिन का ऑक्सीजन की कीमत है ना। पर कितने समय से लाइट बिल की कीमत पता चलती है मंथ एंड में है ना। तो सूर्य और कितनी सारी चीज़ें हमें भगवान देते आ रहे, कंटिन्यूसली देते आ रहे। इतने सारे मिनरल्स हम भगवान से ले रहे, इतने सारे सुख सुविधाएं सब ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ है ना। हम जानते हैं पानी का फॉर्मूला क्या है, क्या है पानी का फॉर्मूला, कौन बता सकते हैं? H2O बना सकते हैं अपना। मैं अपने घर में हाइड्रोजन का अलग से कलेक्ट करूँगा, लेके आऊँगा, ऑक्सीजन लेके आऊँगा, बना लूँगा मिला के है ना। हमारे शरीर में रक्त का एक एक बूंद भी बह रहा है भगवान की कृपा से, बह रहा है कृपा से। तो ये सारे चीज़ों को नेगलेक्ट करके हम कब उंगली उठाना चालू कर देते हैं? जब सारी इतनी सारी आने वाली चीज़ों को हम भूल जाते हैं। कभी अगर पत्थर पड़ गया हमारे लाइफ में, अगर बुरी चीज़ हो गई वो याद आ जाती है, उसी समय उंगली उठाना, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ पड़ोसी के साथ, क्यों नहीं मेरे साथ ही जीवन में ऐसे हो रही है, सारी परेशानियाँ मेरे साथ आ रही है। तो ये सारा क्यों होता है? हमारे खुद के कर्म बंधन के कारण, कर्म के कारण। कर्म का फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा गहरा है। अब मनुष्य जीवन इसीलिए हुआ है इस कर्म के फिलॉसफी को जानना। हम सब जानते हैं, सब लोग जैसे IIT की पढ़ाई करते हैं, बचपन में पढ़ाई का प्रेशर रहता है ना। तो वो प्रेशर का आप कोटा वगैरह में जाके देखेंगे, कितने सारे लोग वहाँ पे, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में जब जॉब हो जाता है, वहाँ पे भी हम कितना सारा तैयारी करते हैं बिजनेस जॉब, जो IT कंपनी में जॉब करते हैं, ऐसा कई बार उनको देख सकते हैं कि जो कभी तैयारी कर रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और पता चलता है कुछ समय के बाद वो प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया गया, वो सडनली उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। ऐसे कई सारे निगेटिव चीज़ें उनके साथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है, नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ हमारे जीवन में जो हो रही है, ये किसके वजह से हो रही है? भगवान की वजह से, हमारे खुद के कर्म बंधन की वजह से। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है कर्म बंधन को समझना और इस कर्म बंधन से निकलना। तो आज के ये श्लोक की जो श्रृंखला मैंने बताई 12.47 से आज हम शुरू करेंगे और 2.54 तक जाएंगे। तो यह 6-8 श्लोक जो रहेंगे, हम 47 श्लोक से 54 तक, इसमें कर्म के फिलॉसफी को और गहराई से समझाए हैं भगवान, और गहराई से क्या करना चाहिए, कैसे होता है, और डिटेल में समझाए हैं। तो 47 श्लोक पे हम चर्चा करें शुरू करेंगे। 47 श्लोक आप सब लोग दोहराने का प्रयास करिए, बहुत सुंदर सा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है। कई लोगों को याद होगा यह श्लोक और जिनको याद नहीं है वो याद करने का प्रयास करिए, आप सब लोग दोहराइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगस्तु अकर्मणि माते संगस्तु अकर्मणि। तो यह फेमस श्लोक है, कई जगह पे आपने सुने हैं है? किसको याद है यह श्लोक? यह श्लोक फेमस याद नहीं है, अगले क्लास में ये याद करके आइएगा है ना। बहुत अच्छा श्लोक है, और पर इसका आधा लाइन का अर्थ ज़्यादातर लोग जानते हैं, बचे हुए आधे लाइन का अर्थ ज़्यादातर नहीं जानते है ना। कोई इसका अर्थ बताना चाहेगा बिना पढ़े? मतलब क्या, आप यह श्लोक सुने तो होंगे कई जगह पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म पर अधिकार,
ये तो पूरे श्लोक का अर्थ हो गया पूरे श्लोक का अर्थ हो। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, इस श्लोक का पहला लाइन लेके बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते, है ना, मतलब गीता का अर्थ है कि सिर्फ अपना कर्म करते चलो, ये हाँ फल तो है ही नहीं, कर्म करते चलो, वी बिलीव इन वर्क, हमें कर्म करते रहना है, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए, कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत करो मेहनत करो, जीवन का जो लक्ष्य है मेहनत करना है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। बाहर कई सारे मोटिवेशनल स्पीचेस देने वाले लोग मिलेंगे, बोलते हैं टारगेट अचीव करना है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, है ना, बहुत सारे आपको मोटिवेट करेंगे, अंबानी बनना है, रतन टाटा बनना है, मेहनत करो, वो बन सकते हैं हम भी बन सकते हैं, जाओ टारगेट अचीव करके आओ, है ना। और क्या वो कछुए का एग्जांपल देते हैं, कछुए और खरगोश का, है ना, धीरे धीरे करो, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, बट करते रहो करते रहो, मिलेगा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ऐसा यह श्लोक का असली अर्थ क्या है इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें चार लाइन है, श्लोक में दो लाइन है और डिवाइड करके चार लाइन आते हैं। तो पहला जो लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह लाइन जो है पहला पार्ट है, इसको हम समझेंगे। पहला लाइन का अर्थ क्या आता है, कर्म कर्म अन्य अन्य मतलब सारे, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, वाधिका मतलब हम अधिकार रखते हैं, हम अधिकार है, हम मतलब कौन, हर एक जीवात्मा, सभी जीवात्मा का अधिकार है कर्म करना, यह पहले लाइन का अर्थ है, सभी जीवात्मा का अधिकार, कोई भी जीवात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति ऐसा है वो बोल रहा है कि मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ, अपने घर में बीवी बच्चों से परेशान हो गया हूँ, बॉस ऑफिस में बॉस से इतने सारे काम सबसे परेशान हो गया, मैं जंगल में चले जाऊँगा, जंगल में भी उसको काम करना ही पड़ेगा, जीविका अर्जन के लिए भूख प्यास को मिटाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए बिना कार्यरत रहे कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है ना, आप सब लोग मानते हैं। तो कार्य तो हमेशा करते रहना है, हमेशा कार्य करते रहना है। तो ये पहला लाइन यही है, हमें हमारा अधिकार जो है, अधिकार मतलब हम उस पर गारंटी रखते हैं, ये मेरा है, ये किस पे हम रखते हैं, हम अपने कर्म पे रखते हैं। और कर्म का और गहरा फिलॉसफी तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में और गहराई से बताएंगे कौन से कर्म करने चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे, कर्म के ऊपर बाद में, हम फल वगैरह के बाद में देखेंगे, पहला लाइन कर्म के बारे में। तो बताया जाता है तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, और उसमें हम कर्म की पहले चर्चा करेंगे। तो कर्म, कर्म में भी तीन प्रकार के कर्म कराए जाते हैं, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, नित्य कर्म, नित्य कर्म एक होता है, दूसरा होता है काम्य कर्म, काम्य कर्म नित्य कर्म काम्य कर्म, तीसरा होता है निषेध कर्म, निषेध कर्म। कर्म में तीन पार्ट आते हैं, काम्य नित्य कर्म काम्य कर्म निषेध कर्म। जैसा अगर थोड़ा संस्कृत अच्छे से जानेंगे तो क्या आता है, काम्य कर्म पहला जो हम चर्चा करेंगे, नित्य कर्म पहला, नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म मतलब होता है डेली ड्यूटीज, नित्य रूप से जो हम करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इस शरीर के निर्वाह के लिए डेली ड्यूटीज हम करते हैं, है ना, जैसे नित्य रूप से सुबह उठना, जैसे अभी कार्तिक महीना चल रहा है, सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि करना, और फिर अपने नित्य कार्य में आध्यात्मिक कार्य भी आते हैं, नित्य रूप से दिया दिखाना, भगवान का नाम जप करना, तो ये सारे, और जो जॉब जो जाते हैं, जॉब अपना जाना, और फिर उसके बाद में अपना डेली लाइफ का घर परिवार संभालने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे कार्य जो आते हैं ये सब नित्य कार्य में आ जाते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता, ये करना ही है, करते ही रहना अंत तक, जीवन के अंत तक करते रहेंगे, इवन रिटायर होने के बाद भी ये सिलसिला चलता ही रहेगा, है ना, करना ही है, नित्य कार्य से कोई कभी रिटायर नहीं हो सकता। और फिर आता है काम्य कर्म, काम्य कर्म से रिटायरमेंट होता है, जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं, तो किससे रिटायर हो रहे हो, काम्य कर्म, काम्य कर्म मतलब अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, डिज़ायर्ड वर्क,
जैसे किसी को इच्छा है, जैसे जॉब पे जा रहे हैं, कमाने की इच्छा है तो जॉब पे जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारे काम में कर्म में आ जाएंगे। डिजायर्ड वर्क, ये सारे काम में कर्म में आ जाते हैं। जितने जो भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, जो प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे काम में कर्म में आ जाएंगे। तो यह आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सारे जितने भी नेक प्रकार के काम में कर्म आएंगे, यह हम लोग कोई भी व्यक्ति जो है अपने जो स्वभाव है उसके हिसाब से वह चूज कर सकते हैं, चेंज करते रहे। नित्य कर्म चेंज नहीं होते, चेंज नहीं कर सकते। फिर अंत में आएंगे जो निषेध कर्म है या जो इमरजेंसी में कार्य किए जाते हैं, है ना, जो कभी करना नहीं चाहिए, तो ऐसे कार्य आ जाते हैं, उसको और गहराई से जो तीसरे पार्ट में आएगा अकर्म, उसमें समझाया जाएगा। ये कर्म हो गया, मतलब कर्म में बेसिकली पार्ट दो ही आएगा, नित्य कर्म जो हमेशा करते रहना डेली लाइफ में रूटीन वर्क जो करते हैं, और काम में कर्म जो हमारे ऑफिस या घर में जो हम कर रहे हैं वो काम में कर्म आ जाएगा, बिजनेस वगैरह जो है। फिर विकर्म आता है, विकर्म दूसरा पार्ट है विकर्म। विकर्म बताया जाता है क्या है, एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ रिजल्ट, एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ रिजल्ट, जो हम कार्य कर रहे हैं पर उसमें हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमारी कोई अथॉरिटी नहीं, विकर्म है ना। यह बोल सकते हैं कि जो हमारे अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी मतलब हमारे जिन्होंने हमें काम दिए हैं है ना, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किए हैं बट फिर भी हम कर रहे हैं, विकर्म। जो हमारे अथॉरिटी हैं उन्होंने हमें ये कार्य सैंक्शन नहीं किए। जैसे किसी का जॉब प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल मतलब आपको जैसे मार्केटिंग करना है तो आपसे आप इस प्रोडक्शन में नहीं आ सकते, प्रोडक्शन वालों का काम मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग वालों का काम प्रोडक्शन नहीं है, सभी का कार्य अलग अलग है। जब आप सीनियर हो जाएंगे, एकदम पूरा हेड बन जाएंगे, तभी सब कुछ देखना है, पर उसके पहले आपको सेल्स है तो जाओ सेल्स करो। अभी कैसे एडवर्टाइजिंग हो रहा है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में दिमाग भी आप लगाने जाएंगे बोलेंगे आपके सीनियर्स क्या बोल देते हैं, कौन है तू, कहाँ से आ रहा है, निकल यहाँ से। तो ये सब क्या है, अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन नहीं है ये कार्य, हम अगर करने जाएंगे तो वो क्या होगा, विकर्म, विकर्म होगा है ना। उसमें हमें फिर गलत हमें प्राप्ति होगी, या तो रिजल्ट गलत प्राप्त होगा, या तो हमें क्या बदनामी होगी है ना। तो ये सारे कार्य किसमें होंगे, विकर्म में होंगे। और फिर अंत में एक और आता है अकर्म। अकर्म मतलब जो निषेध कर्म है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जो क्या है, हमने वो पांच चार चीज़ में जो देखे थे, नो मेडिटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यह जो धर्म के विरुद्ध कार्य है यह बिल्कुल नहीं कार्य करना चाहिए, निषेध कार्य है। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये मैच फॉर्मूला से हमने समझे थे पिछले बार, पहले के क्लास में भी हमने मैच फॉर्मूला के हिसाब से चार कार्य, निषेध कार्य जो हैं वो समझे थे। तो यह कर्म की फिलॉसफी है। अब इसमें से हमें कौन सा करना है, कर्म करना है, विकर्म मतलब जो हमें अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किए हैं वो नहीं करना है, और जो चार जो बताए गए निषेध कार्य वो नहीं करने हैं, कर्म हमें करते रहना है, ये कर्म के पार्ट है, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अर्जुन को कृष्ण इवन बता रहे हैं कि पहले के समय में कई सारे राजा जो हुआ करते थे उसमें से प्रमुख राजा में से थे कौन, जनक महाराज, जनक महाराज जो स्वयं सीता माता के पिता, तो जनक महाराज का और स्वयं खुद का कृष्ण खुद का एग्जांपल भी दे रहे हैं, और ऐसे कई सारे राजाओं का एग्जांपल दे रहे हैं, बोले ये सब राजा थे, जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों पे इनका विजय हो चुका था, इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं था बट फिर भी ये हमेशा कार्य करते रहते, इनका डेली लाइफ स्टाइल अगर देखेंगे डेली कार्य करते रहते, आज के लोगों की तरह उनको जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, राजा थे वो, राजा मतलब आज जितना मिथिला प्रदेश है पूरा राज्य, मतलब आज का बिहार यूपी और भी उससे बहुत बड़ा होगा, वो सारा उनके अंडर था, उनके इच्छा मात्र से उनके कोई ऐसे ऐसे देख लेंगे वो मिनिस्टर समझ जाएगा क्या करना है, कई सारे लोगों को दंड हो जाता था है ना। तो ऐसे बड़े बड़े राजा जो थे और धार्मिक राजा थे, तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी बट फिर भी ये रेगुलर कार्य करते रहते, क्यों, सिखाने के लिए, आम जनता को सिखाने के लिए रेगुलर रूप से कार्य करते रहते,
अब कृष्ण है, परम भगवान है, उनको क्या जरूरत है करने की। पर फिर भी भागवत में वर्णन आ रहा है कि वो डेली यज्ञ कर रहे हैं, डेली जा करके दान कर रहे हैं। राम जी का वर्णन आता है, राम जी क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी को रोज़ जा करके प्रणाम करते थे, रोज़ सुबह जाके दशरथ पिता दशरथ के अपने तीनों माताओं का प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज का वर्णन आता है, जो पूरे राजा बन गए, वो भी रोज़ जा करके धृतराष्ट्र जो उनको मारने के लिए प्लानिंग करता रहा उनको जाके प्रणाम कर रहे थे जीतने के बाद जब राजा बन गए थे। तो यह सारे नित्य कार्य में आते हैं, माताओं को अग्रजन को जो वरिष्ठ गण है उनको प्रणाम करना, यज्ञ करना, भगवान की पूजा करना, ये सारे नित्य कार्य में आते हैं। तो इस प्रकार से सारे नित्य कार्य जो है कभी करना नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा बता रहे कर्मण्य महाधिकारस्ते, दूसरे में आते हैं मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है नेवर कंसिडर योर सेल्फ कॉज ऑफ रिजल्ट, नहीं नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। मा फलेषु कदाचन, फलेषु फल की इच्छा जो है कदाचन, मा मतलब नहीं, मा मतलब नहीं, नहीं क्या फलेषु फल की इच्छा नहीं रखना, कर्म करते रहना है फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं। और फिर तीसरा आएगा माँ कर्म फल हेतु रुभुर, माँ मतलब इस माँ का अर्थ है नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं कर्म फल, कर्म फल मतलब कर्म का जो रिजल्ट है, हेतु हेतु मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये कर्म का जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा उस पे मेरा हक है, कर्म के रिजल्ट पे हमारा कभी हक नहीं होता है। इसलिए आगे चल के कृष्ण बताएंगे प्रसन्न हम कैसे रह सकते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें पूछे थे प्रसन्नता का क्या फॉर्मूला, हमेशा प्रसन्न रह जाए तो ये जानना चाहिए कैसे रह पाएंगे। तो कृष्णा हमें क्या बता रहे हैं कि रिजल्ट पे ना हमारा अधिकार है ना हमें उसकी इच्छा करनी चाहिए, अधिकार भी नहीं है, हेतु मतलब कोई अधिकार नहीं हमारा रिजल्ट पे। जैसे अर्जुन से पूछा गया आप इतने इतने अच्छे धनुर्धर हैं, अर्जुन ने वो एक टेस्ट पास किया था जिसमें नीचे मछली की आँख की परछाई को नीचे देखते हुए ऊपर बांध लगाना था, है ना, आँख में मछली की आँख में बांध मारना था, है ना। तो अर्जुन तो सफल हो गए थे, तो अर्जुन भगवान अर्जुन से पूछा गया था भगवान की क्या भूमिका, आप तो इतने अच्छे धनुर्धर है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपने कर दिए, है ना। तो अब इसमें भगवान की क्या भूमिका आ रही, विंड को कौन कंट्रोल करेगा, पानी को कौन कंट्रोल करेगा, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कितना भी एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, तीर चला सकता है। हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी अगर स्टूडेंट है तो मेहनत करके एग्जाम में लिख सकता है, जितना भी अच्छे से आता है लिख के आ जाएगा, बट उसके बाद अब कुछ। जैसे हम एग्जाम इंजीनियरिंग में थे, मुझे याद है सेमेस्टर का जब रिजल्ट आना होता है ना, हर दिन ऐसे अफवाह फैलती थी आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है, और सब लोग ऐसे आ जाते थे उसी बहाने, अफवाह के बहाने सब लोग कॉलेज आते थे इसी बहाने, आज रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट लेने जाना है, और रिजल्ट नहीं निकला, और फिर सब एक दूसरे बोलते, जब रिजल्ट निकल जाए पूछते थे तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, है ना। तो सब एक दूसरे में इतना रहता था रिजल्ट पाने के लिए, पूरा मैं कोई प्रार्थना कर रहा है, इधर जाके प्रार्थना कर रहा है रिजल्ट अच्छा। अब जैसा लिखे हैं आपने वैसा ही रिजल्ट आएगा, लिखने के बाद में कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक शब्द तक चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब चेंज क्या हो सकता है, ऐसा नहीं चेंज नहीं होगा, हो सकता है चेंज, बहुत सारे गफले होते हैं वो बताता हूँ चेंज क्या क्या हो सकता है ना। पहला जो हमने लिख दिए वो नहीं बदल सकता है ना, जो हमने कर्म कर दिए वो नहीं बदल सकता है। अब कृष्णा का रोल उसमें क्या आएगा, ऐसा कई बार होता था है ना, मेरा ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसको हमारा जो 80 मार्क्स का थियरी पेपर होता था, 20 मार्क का प्रैक्टिकल से आता था इंजीनियरिंग के समय में, तो उसमें मुझे दो पेपर होते थे, पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन 40 मार्क, पार्ट टू 40 मार्क, और पासिंग क्या होता था, टोटल 100 में से पासिंग रहेगा, और पासिंग क्या रहता था, 40 पासिंग होता था, है ना। तो और उसको प्रैक्टिकल तो टीचर इंटरनल था वो दे देती थी, थियरी देना रहता था, है ना। तो प्रैक्टिकल में उसको कुछ 16 कुछ थे, और पार्ट वन चेक हुआ था उसका, और पार्ट टू उसका चेक ही नहीं हुआ, और उसको आ गए थे कितना सब मिला करके, सिर्फ और पास हो गया था 42 मार्क्स आए, 42 कुछ आए थे मुझे याद है। वो जा करके उसको खुद पे इतना भरोसा था, जा करके
क्या एग्जाम बाद में एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं, री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं, तो उसमें डाला री इवैल्यूएशन के लिए, और वो हमेशा से टॉपर रहता है क्लास का, टॉपर या फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फाइव रैंक में से आता था, है ना। तो ऐसा फिर रिवैल्यूएशन में से डाले तब पता चला, क्योंकि क्या हो जाता है जो चेक करते हैं इवैल्यूएट जो करते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर के भूमिका में भी रहा था, तो बाद में वो भी जाना कैसे, उनके ऊपर प्रेशर होता है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं इस पूरे अगर एरिया में बात करेंगे, मैं पुणे में से इंजीनियरिंग किया था तो पुणे की बात है, 1000 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, हर कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स है ना, और टीचर्स कम रहते हैं, और उसमें से भी जो चेक करेंगे ऐसे टीचर्स जिनको अलाउ किया जाता है आप चेक करेंगे है ना, वो कम होते हैं, और उनको टारगेट रहता है, जैसे आपका एग्ज़ाम जो होते हैं मंथ जो एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर एंड, जैसे सेकेंड सेमेस्टर अभी चल रहा है तो नवंबर में होंगे एग्ज़ाम, दिसंबर एंड तक में रिजल्ट निकालना है, एक महीने में, हार्डली एक महीने में हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालना है। तो सोचिए कितना फास्ट चेकिंग करना होता है वो टीचर्स को, मैंने भी किए थे चेकिंग, तो उनको हमें बंडल दे दिया जाता था, इतना बंडल आज आपको करके लाना है, अब बंडल के बंडल चेक करने हैं, बंडल में रहते थे 100 पे आंसर शीट्स, 100 आंसर शीट्स है, और बाकी वो कब करना है, दिन भर का क्लास देने के बाद में, दिन भर का कॉलेज में पढ़ा के आ रहे हैं शाम में 3 बजे से लेके, और उसके बाद में दिन के घर के और काम होंगे बाद में शाम में करके अगले दिन देना है, 100 बंडल ऐसे ऐसे दिन हफ्ते भर का टारगेट रहता, तब उस वैसे माइंडसेट में जो टीचर है वो क्या ही चेक करेगा। तो एक पैटर्न रहता था है ना, कि अगर उसने इतना लिखा है तो ठीक है डन मिल जाएगा मार्क्स, और उसमें भी अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते थे, स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक चार्ट्स है ना, फ्लो चार्ट बनाने होना, ड्राइंग बनाना होना, ड्राइंग में भी हाँ पूरा इतना ऐसे नहीं देखते बैठते, इतना टीचर इतना ऐसे नहीं देखती है क्या है, ऐसे दिया हुआ है ना, उसमें वर्ड ढूंढ लेते हैं, हाँ इसने ये वर्ड लिख दिया मतलब आता है इसको, आता है पूरा आता है इसको, बढ़ो आगे बढ़ो, फुल मार्क्स दे दो या 8/10 में से दो 8 मार्क्स दे दो, आगे बढ़ो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन ऐसे करके कराए। तो ऐसे में कई बार कई सारे टीचर से गलती हो जाती है, अब ये जो गलती हो रही है ये उसके स्टूडेंट के कर्म की वजह से हो रही है, इसमें टीचर का भी कोई दोष नहीं है, वो जल्दी जल्दीबाजी में कर रहा है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स में से वो एक था, उसने कहा बोला था कि री इवैल्यूएशन के लिए डाला था, मेरी कोई गलती नहीं है, टीचर की गलती है, मैंने फुल मार्क्स के लिए लिखा था और री इवैल्यूएशन के लिए डाला था, बाद में फिर 42 का और जो है 38 मार्क्स उसमें बढ़ जाते हैं, तो ऐसे भी गलतियाँ हो जाती। अब इसमें क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, कर्म पे हमारा अधिकार है, लिख करके आ गए, कर्म पे हमारा अधिकार, हमने कर्म कर दिए है ना। पर कई बार जैसे इवन आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स को देखते हैं है ना, इनका इनका नाम आता है ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे उनका नाम आता है कई बार, एक बहुत बड़ा मैच हो रहा था उस मैच में वो खेल रहे थे मेजर ध्यानचंद, और मैच में खेलते हुए एक भी मैच उनका उस मैच के पहले तक में नहीं हुआ था जिसमें वो मैच में भी 90 मिनट का मैच होता है, पहला हाफ सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ में गोल ही नहीं हुआ, कुछ भी गोल नहीं हुआ, ऐसा पहला मैच गया उनसे फर्स्ट हाफ में एक गोल तक नहीं हुआ, और वो तो अच्छे से खेल रहे बट उनके कोच आके उनसे पूछे क्या हो गया, आज आपका जादू चल नहीं रहा, हम हारने वाले हैं, इनका प्रेशर बढ़ते आ रहा है, हम हारने वाले हैं। तो मेजर ध्यानचंद क्या बोलते हैं कि गोल पोस्ट में प्रॉब्लम है, गोल पोस्ट चेक कराओ, गोल पोस्ट चेक कराओ, यह मैं उन्होंने कितने सारे शॉट्स मारे गोल हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, आपका शॉट मिस हो रहा है, मेरा शॉट नहीं मिस हो रहा, गोल पोस्ट में प्रॉब्लम है, पूरा मैच रुकाया गया, पूरे जो ग्राउंड है उसकी फिर से मार्किंग की गई, उसके फिर से काउंटिंग कराया गया, जो मैं जो स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था, पता चला गोल पोस्ट जो है 2 इंच छोटा था, दोनों साइड से, इधर से 2 इंच इधर से 2 इंच छोटा था। तो मेजर ध्यानचंद का ऐसा था कि एकदम कॉर्नर में मारेंगे तो जो गोलकीपर है वो पकड़ नहीं पाएगा, पर कॉर्नर तो आउटसाइड चला जा रहा था, गोल पोस्ट में जा ही नहीं रहा, तो खुद के कर्म पे इतना भरोसा था कि रिजल्ट पे वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, रिजल्ट देंगे ही देंगे। ऐसे हमारा मेरे साथ भी मैथ्स में होता था, मैथ्स में और मेरे जैसा स्टूडेंट्स होते थे है ना, मैथ्स में हम हक लेके आते थे 100 में 100 लाना ही लाना है ना, लाना ही लाना, टीचर गलती निकाल ही नहीं सकती, कितना भी कर ले निकाल ही नहीं पाएगी गलती, ऐसे स्टूडेंट्स की तैयारी होती थी।
जब आईटी वगैरह की तैयारी हम करते हैं, तो यह सब कार्य किस में आ जाता है, यह हम कार्य अपनी कुशलता से करते हैं। यह चौथे लाइन में भगवान बता रहे हैं, चौथे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक का। चौथे लाइन में क्या बता रहे हैं, माते संगस्त्व अकर्मणी, मां मतलब नेवर, ते का अर्थ बता रहे ऑफ यू मतलब आप, ते संगस्त्व, संगस्त्व मतलब अटैचमेंट। अब क्या हो जाता है, जैसे ये फिलोसफी बोल दे रहे हैं कि आपको सिर्फ काम करते रहना है, रिजल्ट पे आपका अधिकार है नहीं, है ना, तो इसको गलत मीनिंग क्या निकाल लिया जाएंगे, लोग गलत मीनिंग क्या निकाल लेते हैं कि हाँ रिजल्ट तो मेरे हाथ में आई नहीं, तो काम ही क्यों करूँ, काम ही क्यों करूँ, मैं जॉब पर क्यों जाऊँ। जैसे कई सारे सरकारी ऑफिसर वाले जॉब होते हैं, हाँ इतना पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, काम तो काम से करने से क्या, जाए न जाए, जाएंगे दो मिनट के लिए अटेंडेंस लगा देंगे आ जाएंगे, या और भी जो भी ऐसे कार्य होते हैं, काम क्यों करूं मैं, रिजल्ट मेरा मिलना ही है। जैसे कई लोग फिर अपने जो नसीब है उसको कोसने लगते हैं, हाँ मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है, मैं हमेशा ही निगेटिव होते रहूँ, हमेशा ही फेलियर ही आएगा, मैं काम ही क्यों करूँ, काम ही नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं, नहीं आपको कार्य करना ही पड़ेगा, करना ही है, आप अपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज से पीछे नहीं हट सकते। प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी से पीछे हटना ये आपके लिए क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने इस टॉपिक को और अच्छे से समझे थे, जिसमें अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और पाप का भय बता रहे थे, और कृष्णा क्या बोल रहे थे, आपके लिए युद्ध न करना पाप है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। अगर उसके सामने अगर ऊपर वाला स्विच है, ऊपर ऊपर वाला स्विच है, पीछे भी पंखा ऑन कर लीजिए, तो डॉक्टर का काम, उसके का सामने अगर कोई पेशेंट अगर दम तोड़ रहा है, या किसी जो ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय के सामने गलत कार्य हो रहा है, तो यह सब क्या है, उसके उसका कार्य था वहाँ पे लड़ना, उसका कार्य था उसको जाके सीधा करना, सही करना, पर वो नहीं किया, अपने कर्म से पीछे हट गया, वो अभी पाप का भागीदार होता है। अर्जुन को पाप का भागीदार वो कब नहीं बनेगा, जब वो ऐसा नहीं है कि अर्जुन क्या सोच रहे थे, मैं इन सबको मार दूंगा तो पाप का भागीदार बनो, कृष्ण क्या बता रहे, नहीं अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो पाप के भागीदार बनो। जैसे जज अगर क्रिमिनल को सजा नहीं सुनाएगा तो जज पाप का भागीदार बने, और जज अगर किसी को फांसी की सजा दे रहा है, किसी को अवार्ड दे रहा है, तो जज का कुछ जाएगा नहीं, जज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। और जज अगर वही अगर घर में आकर के अपने वो बेंच पर से उठ करके घर में आकर के कुछ ऐसे क्राइम कर रहे हैं, कुछ अगर किसी को सजा दे रहे हैं, तो वो नहीं कर सकता, वो फिर उसके अधिकार में नहीं। जैसे कैशियर है, कैशियर का काम है पैसे गिनते रहने, अब कितने पैसे आ रहे हैं, लाख आ रहे हैं, 20 लाख आ रहे हैं, करोड़ आ रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है, उसकी सैलरी उसके पास आ जाएगी, उसको बिना रिजल्ट से अटैच हुए, बिना मुंह में पानी लाए क्या करते रहना है, जितना भी पैसा आ रहा है गिन करके डालते रहना, ना उसका पैसा है, ना जहाँ डाल रहा है वो उसका है, पैसा कस्टमर का, जहाँ डाल रहा है वो बैंक का। इस प्रकार से व्यक्ति को कार्य करना है, यस एग्जाम्पल बताया रहे कैशियर की तरह, या जो डॉक्टर जो कार्य बताया, इन सब का जो हाँ मेडल्स जो दिए जाते हैं, सोल्जर अगर गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहा है, आर्मी में लड़ रहा है, उसको वहाँ पे मेडल मिलेगा, वहाँ पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहा है, बट वही घर पे आके बदला निकालेगा पड़ोसी से तो वो उसको गलत फिर परिणाम उसको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए यह फिलॉसफी भगवान बता रहे हैं, कर्म से हम बच नहीं सकते, पहला बोले कर्म करना ही है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, फल के आपका अधिकार नहीं है, फल आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से और कई सारे पैरामीटर्स है। 18वें अध्याय में जाके कृष्ण और क्लियर करेंगे, कर्म पूरे भगवद्गीता में इसी के ऊपर चर्चा हो रही है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक पर चर्चा हो रही है। तो 5 चीज़ों पर कर्म डिपेंड करता है, वो 18वें अध्याय में इसको अच्छे से चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। पहला क्या है, हमारा जगह, जगह पे भी कई बार रिजल्ट डिपेंड करता है, कोई कई बार क्या करते हैं, जगह चेंज कर देंगे तो उनका अच्छा होने लगता है, पहला है जगह। 18वें अध्याय का आप श्लोक भी लिख सकते हैं, 18वें अध्याय का 14 श्लोक, 18.14 अगर गीता है तो पढ़ लीजिएगा, 18.14
तो 18.14 में क्या लिखा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पांच चीजों पे हमारे कर्म का रिजल्ट डिपेंड करता है। कृष्णा क्या बता दिए, ये क्लियर आइडिया दे दे रहे हैं ना, धीरे धीरे भगवदगीता में सब कुछ क्लियर होता है। 18.14 तो इसको सिर्फ हम नाम बता दूंगा, इसको इसी को समझाने में पूरा लेक्चर चला जाएगा। नाम क्या है, पहला क्या है, जगह अधिष्ठानम, मतलब जगह पे डिपेंड करता है आपका कैसा रिजल्ट रहेगा। दूसरा बताया गया है परफॉर्मर, जो कार्य कर रहा है, परफॉर्मर मतलब हम स्वयं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, सक्सेस पाने लगते हैं, फिर ऐसा ऐसा सक्सेस आने लगता है उनके ऊपर, मतलब बारिश हो जाती है सक्सेस की। तो नाम, नाम पे भी फ़र्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी ये सब उसमें आ जाता है, उसमें उसका सारा लेके नाम बदल, तो नाम पे भी फ़र्क पड़ता है। परफॉर्मर जो है, कार्य कौन कर रहा है, यह डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर भी है। तीसरा है सेंसेस, हमारी इंद्रियों पर डिपेंड करता है, हम इंद्रियों को कैसे वश में रख के कैसे कार्य कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा कैसा सक्सेस रहेगा। चौथा है हमारे जो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर हैं, एंडेवर प्रयत्न, हमारा हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट। ये चार चीज़ हो गए, ये चारों चीज़ हमारे पास है, हमारे अधिकार में। पहला क्या, जगह, दूसरा हम स्वयं, तीसरा क्या है हमारी इंद्रियाँ, चौथा क्या है प्रयत्न। अब पांचवा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन, भगवान क्या बोल रहे हैं, दैवम चैवात्र पंचम, दैव, दैव का विधान है ना, भगवान स्वयं। पांचवा है भगवान स्वयं, जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते रहते हैं, करते रहो कर्म, करते रहो, आएगा वो दिन हम होंगे कामयाब एक दिन, पर पांचवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या, दैवम है ना। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी, कई सारे लोग दिन भर सुबह से शाम तक ठेले पे सामान बेचते रहते हैं, सुबह से शाम ठेला चला रहे, सुबह से शाम साइकिल पे कुछ बेच रहे, बहुत मेहनत कर रहे थे, जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, कुछ हो पाता है। एक चोर है, वो बहुत ही होशियारी से चोरी करता है, आजकल साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, कितना साइबर क्राइम बढ़ते आ रहा है, तो कार्य तो कर रहा है, बहुत एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, इसलिए तो वो कर पा रहा है ना, पढ़े लिखे लोग ही कार्य ये सब क्राइम कर पाते हैं, बहुत मेहनत करता है चोरी करने के लिए, बहुत दिमाग लगाता है ना, बोलते हैं चोर पुलिस से दो कदम आगे रहता है, हर प्रकार का कोई एविडेंस ना छोड़ते हुए चोरी करता है वो, है ना, बट फिर भी एंड में पकड़ा जाता है। हर चोर को पता होता है पकड़े जाने के बाद में ये सजा भुगतनी होगी, है ना, पर बोलते हैं कि नहीं हम 30 मार खाना, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तो पर भगवान जो हैं उनकी नज़र से, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों से कोई नहीं बच पाया है, कोई नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब जगह देख रहा है, सब तरह से देख रहा है। तो कार्य कैसे करना चाहिए उसके ऊपर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। कृष्णा बहुत अच्छे से इसके तात्पर्य में, प्रोपा जी और सभी आचार्य इसको बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझाते हैं, है ना, क्योंकि आखिरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर आपको पता चल गया है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो ये सोच करके कार्य को बंद कर देना, ये आप पाप के भागीदार बनेंगे। कार्य बंद नहीं कर देना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, है ना, भले ही आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, बट ऐसा है, जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल गिना है ध्यानचंद जी का, है ना, इतना अच्छे से कर्म तु कौशलम, अगला श्लोक आएगा उसमें योगस्तु कर्म कौशलम, अपने कार्य को इतनी कुशलता से करना है, इतनी कुशलता से करना है कि भगवान स्वयं रिजल्ट खुश होकर के देंगे। तो भगवान स्वयं रिजल्ट देंगे, बाध्य हो जाएंगे रिजल्ट देने के लिए। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन की ये स्टोरी सुनाएंगे बाद में, यह 3 चीज जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन का आप सब लोग जानते हैं, जब उनके पुत्र अभिमन्यु का निधन हुआ, अभिमन्यु मारे गए, तो अर्जुन उस समय थे नहीं उस जगह पे, तो जब अर्जुन पांडव बाद में आए, पता चला अभिमन्यु नहीं रहे, तो अपने भ्राता से सबसे आगे पूछे, कैसे मारे गए, आपने क्यों नहीं गए बचाने के लिए, आप सब लोग के होते मेरा पुत्र कैसे मारा गया। तो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर से, क्या बोल रहे थे, हमें किसने रोक लिया था, जयद्रथ ने रोक लिया था, सभी चारों भाइयों को जयद्रथ ने रोक लिया था, जयद्रथ अगर नहीं होता तो हम अपने बेटे को बचाने पहुँच जाते थे,
उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो जयद्रथ की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। और जयद्रथ का ऐसा किस्सा था कि उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किए थे, शिव जी से तपस्या किए थे जयद्रथ ने, कि वह पूरे पांडवों को मारना चाहते थे। शिव जी क्या बोले, अरे पांडवों का मारना बस की बात नहीं है, पांडवों के ऊपर किनका हाथ है वो देखो पहले, पांडव के ऊपर किनका हाथ है, स्वयं कृष्ण का हाथ है। शिव जी भी जिनकी आराधना करते हैं उन कृष्ण का हाथ पांडवों के ऊपर है, तो कोई नहीं मार सकता पांडवों को। आपने इतनी तपस्या की है तो मैं एक वरदान दे सकता हूँ, किसी एक दिन आप पांडवों पे भारी पड़ जाएंगे, पांडव आपको हरा नहीं पाएंगे। पांडवों में भी अर्जुन नहीं, सिर्फ चार, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये चार आपको एक दिन, आप कुछ भी आप अपनी तरफ से चूज कर लीजिएगा, ये चार आपको कभी नहीं हरा पाएंगे उस दिन के लिए। अर्जुन को नहीं, अर्जुन से तो मैं भी हार गया था। शिव और अर्जुन का, जब भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था तो शिव जी भी हार गए थे, पशुपत अस्त्र प्राप्त हुए थे, है ना। तो शिव जी को भी पता था अर्जुन के बाद पशुपात अस्त्र है, पशुपात अस्त्र से कोई भी शरीर छोड़ सकता है ना, ऐसे कई सारे दिव्यास्त्र है अर्जुन के पास। तो अर्जुन को कैंसिल कर दिया, अर्जुन को जयद्रथ नहीं हरा सकता था कभी नहीं। एक दिन के लिए जयद्रथ को वरदान प्राप्त हुआ था कि चार पांडवों पे वो भारी पड़ेगा, और वो एक दिन उसने चूज किया था, वो जिस दिन चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु को उसने उसी दिन वो शरीर छोड़े थे। तो जयद्रथ समझ गए, तो अर्जुन ने क्या शपथ ले लिया कि अब जयद्रथ को मारेंगे, और क्या भयंकर शपथ ले लिया, अगले दिन के सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारेंगे, और नहीं मार पाए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ये कृष्ण से हाथ पकड़ के बैठ गए, सिर पे हाथ रख लिए, तो क्या है बिना पूछे कुछ शपथ ले लेते हो, कुछ पूछ तो लिया करो, बात तो कर लिया करो। अर्जुन और कृष्ण क्या बोल के रखे हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त क्या कभी नाश नहीं होगा। अब कृष्ण के ऊपर चिंता हो गई, अर्जुन क्या बोले, मैंने तो शपथ ले लिया, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अब आप देखो आपको कैसे बचाने का है, आपको क्या करना है। तो अर्जुन चले गए सोने के लिए, और कृष्ण पूरा रात भर चिंता करते रहे कैसे बचाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और कौरव भी उधर चिंता करते रह गए। कौरव सब जगह पता चल गया, मतलब अर्जुन को मारने का शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया, क्या है, जयद्रथ को छुपाओ, हम अर्जुन अपने आप ही मर जाए, वो तो अपने कर वचन के पक्के हैं, वो अपने आप ही शरीर छोड़ देंगे, तो अर्जुन से लड़ने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ जयद्रथ को छुपा दो कहीं, तो जयद्रथ मिलेगा ही नहीं, तो भी एक दिन की बात है बस। तो जयद्रथ को इतना ऐसा एकदम युद्ध के एकदम एंड कॉर्नर में, वो तो क्षत्रिय है, मैच छोड़ के जा नहीं सकता, युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जा सकता, बट एकदम आखिरी में रख दिए, और सामने में सारे एकदम युद्ध कौशल जो थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे सारे योद्धा सब सामने में उनके खड़े हुए लड़ने के लिए, इतने महान महान योद्धा। तो अर्जुन जो है पूरा दिन भर लड़ता रहा, दिन भर प्रयत्न किया, दिन भर प्रयत्न किया उसने, प्रयत्न भगवान देखते हैं, क्या लिखे हैं, प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयत्न हमेशा करना चाहिए, चाहे फल हमारे अधिकार में हो या ना हो, अंतिम गेंद तक, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्जुन भी करता रहा पूरा शाम तक, अब शाम होने वाली थी, शाम होने वाली थी, अब कृष्ण आ जाएंगे मैच में उतर जाएंगे, है ना। कृष्ण क्या देखेंगे, हमारा कर्म देखेंगे, हमारा एंडेवर देखेंगे, हमारा प्रयत्न देखेंगे, जब नहीं हो पाएगा तब कृष्ण कृपा करेंगे, पहले बुद्धि भी देंगे कैसे प्रयत्न करना है, उसकी बुद्धि भी देंगे, सारे सोर्सेस देंगे, इंद्रियों से मदद करेंगे, बट प्रयत्न हमें करना है, आलसी नहीं होना है, प्रयत्न हमें करना है। यह जो दामोदर की लीला हो रही है बहुत सुंदर, इससे शिक्षा आती है। दामोदर की लीला में क्या हो रही है, जो पूरे संसार को बांधने वाले हैं ऐसी माता यशोदा कृष्ण को बांध रही है ना, पूरे संसार को बांध, बहुत ही आश्चर्य वाली लीला है दामोदर की लीला, पूरे संसार को बंधन में डालने वाले, पूरे संसार को बांधने वाले, पूरे संसार को अपने कंट्रोल में रखने वाले ऐसे कृष्ण को माता यशोदा बांध रही है, कितना अद्भुत लीला है ना। और बांधते बांधते कृष्णा क्या देख रहे हैं, माता जो गजरा पहनी थी, बाल जो बांधी हुई थी, पूरा खुल गया, बहुत प्रयत्न कर रही है, बहुत पसीने से लथपथ हो गई है, बहुत दिन भर एंडेवर कर रही है, जितना रस्सी था सारे गोपियां उनको बोल रही है, तेरा लाला ना बंधने वाला, छोड़ दे,
फिरा लाला नहीं बंधने वाला, ये बंद किसी के बंधन में नहीं आएगा, ऐसे सब निगेटिव बोल रहे थे, मतलब नहीं बंधेगा, नहीं होगा। जैसे हम भी कार्य करते हैं, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं, आपको डाउनफॉल कराने वाले लोग बहुत होंगे, निगेटिव कमेंट करने वाले लोग बहुत होंगे, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, है ना, समय नहीं ठीक चल रहा है, ऐसे बहुत निगेटिव कमेंट कर रहे थे। यशोदा माता कार्य करते रही, बांधती रही, रस्सी इकट्ठा करते रही, इतना रस्सी ला रही थी, इतना रस्सी ला रही थी, फिर भी क्या हो रहा था, हर कितने पूरे वृंदावन का रस्सी खत्म हो गया, पूरे वृंदावन का रस्सी खत्म हो गया, सब जोड़ करके अंत में दो उंगली छोटी पड़ जाती थी, दो उंगली छोटी पड़ जाती थी। आचार्यगण वो दो उंगली का तात्पर्य देते हैं, पहला क्या है, पहली उंगली क्या है, हमारा प्रयत्न। इतना माता यशोदा का प्रयत्न देखे, अर्जुन का प्रयत्न देखे, सभी भक्तों का कृष्ण प्रयत्न देखते हैं, अंत में भगवान कृपा करते हैं। भगवान कैसे कृपा किए, अर्जुन के ऊपर सूर्य से ढक दिए। क्या बोले, सूर्य तो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति सूर्य ऐसा चराचर, सूर्य मेरे अंडर काम कर रहा है, सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिए, है ना, बोले सुदर्शन चक्र से ढके। अब सुदर्शन चक्र खुद ही इतना अग्नि देने वाला है, खुद ही इतना ज्वलनमान है, वो सूर्य को कैसे ढक देगा, कृष्ण कुछ भी कर सकते। तो अंत में सुदर्शन चक्र सूर्य को ढक देते हैं और सब जगह हल्ला हो जाता है कि शाम हो गई, और जयद्रथ जो है खुद ही होकर के बाहर आ जाते हैं, अर्जुन जला लेते हैं, और जयद्रथ को मारने का तरीका भी कृष्ण ही बताते हैं, बोले इसके सिर को ऐसे यहीं नीचे मत गिरा देना, इसके सिर को इसके पिताजी इतने इस पर्वत का एड्रेस भी बता देते, इस पर्वत पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उस उनके गोद में जाके गिराना, ऐसा बांध छोड़ो कि इसका सिर कट के उनके पिताजी के जाके गोद में गिरे। क्यों, उनके पिताजी ने क्या शाप दिए थे, इसके सिर के जमीन पे गिरने का कारण जो बनेगा उसका सिर फट जाएगा। ये भी कृष्ण जानते थे, कृष्ण सब जानते हैं, सब बताते हो, है ना, सिर्फ हमें क्या होना है, शरणागत होना है। जब माता का यशोदा का प्रयत्न देखे तो कृष्ण स्वयं से बंध जाते हैं, कृष्ण प्रेम से बंधते हैं, भक्ति से बंधते हैं। क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे पत्ता दे दो यार, पत्ता दे दो, कुछ तो देना प्रयत्न चालू करो, देना शुरू करो, दान करना शुरू करो, पत्ता तो कहीं मिल जाएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। कुछ नहीं है, पानी, नल से पानी निकाल के दे दो, कुछ भी दे दो, मैं भक्ति स्वीकार करता हूँ, भक्त्या प्रयच्छते। लोग बोलते हैं भगवान ग्रहण करते हैं क्या, लोग इतना सारा भोग लगाते रहते हैं भगवान ग्रहण करते हैं, उसे श्लोक में आता है अश्नामी प्रयतात्मनः, अश्नामी अर्थात मैं ग्रहण करता हूँ, कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं मैं ग्रहण करता हूँ। आप वही खिचड़ी घर पे बनाइए, वही खिचड़ी यहाँ से पाइए, डिफरेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रसाद है, भगवान का सलाइवा उसमें है। तो यही भगवान बार बार क्या बता रहे, प्रयत्न हमारे हाथ में, प्रयत्न करना है, प्रयत्न देख के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा करेंगे। बिल्वा मंगल ठाकुर का बहुत सुंदर उदाहरण आता है, बिल्वा मंगल ठाकुर अपने इंद्रियों पे वश नहीं कर पा रहे थे, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, है ना, कई बार वो स्त्री को देख के मोहित हो जाते थे, तो एक बार ऐसे ही मोहित हो गए, उनकी भक्ति क्षीण हो जाती थी, उनको पता है यह कार्य नहीं करना है, फिर भी वो मोहित हो जाते थे। उन्होंने एक बार जब अंत में कई समय कई बार देखे, मेरे वो पहचान गए, अपनी प्रॉब्लम को समझ गए कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, तो क्या करते हैं, वो एक माता के पीछे फिर से मोहित हो गए थे, तो उन्होंने माता से जा करके क्या बोले, आप अपना पिन दो, बाल में मार लगाने वाला पिन, और पिन लेकर के उन्हीं के सामने अपनी आँख फोड़ लेते, आँख ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है ना, मैं आँख ही फोड़ लेता हूँ। बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे भक्त है, उन्होंने खुद से अपनी दोनों आँखें फोड़ ली, खुद से कितना दर्द हुआ रहेगा, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया, मेरे इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मैं प्रयत्न करूंगा उसको कंट्रोल करने का। कृष्ण क्या किया, कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के उनको वृंदावन लेके गए, वृंदावन में बैठ के उनके भजन स्वयं कृष्ण सुनते थे। कृष्ण करनामृत नाम का ग्रंथ लिखे उन्होंने, और कृष्ण स्वयं आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो इस कृष्ण करनामृत को उन्होंने ही प्रचार किए। तो जब हम प्रयत्न करेंगे भगवान हर प्रकार की सहायता करते हैं। एक क्षत्रिय का अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, भगवान की भक्त जो यशोदा माता का एग्जाम्पल दिया, बिल्वा मंगल ठाकुर अभी के समय के उनका एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद को बाहर प्रचार कर रहे थे, कोई उनको मदद नहीं करने को आया था, ऐसा नहीं है उन्होंने छोड़ दिए, प्रचार करते रहे, कोई मदद करने नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं बोलने, हाँ मैं प्रभुपाद जी सक्सेस का भी बता रहे थे, हाँ कई सारे लोग मेरी क्लास सुन रहे हैं, आप इंडिया से सक्सेस बुला किसी को बुला रहे थे, आप आ जाओ मेरी मदद करो, कोई भी नहीं आए, है ना, कई जगह से फेलियर हो रहा था,
कई जगह से फेलियर, पर धीरे 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 करके कृष्णा फिर दिए तो छप्पड़ फाड़ के दिए इतना दिए, आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी के, इस भारत में तो है ही, भारत में तो हर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभुपाद जी के इस्कॉन के मंदिर है और वहाँ पे गुरु पूजा होती है, उनका वर्शिप होता है। आज उनकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं भगवत धाम वापस जा रहे हैं, भगवान के राह में आगे बढ़ रहे हैं, इस गीता भागवत को पढ़ रहे हैं। क्या देखे कृष्ण ने, पहले प्रयत्न देखे। कई बार ऐसा होता है 70 साल की उम्र में उन्होंने सारे प्रयत्न किए, दिल्ली में ही यहाँ पे चांदनी चौक में जाते थे, खुद ही जाकर के गीता भाग भगवद गीता जो है ना खुद ही जाके प्रिंट करवाते थे, जाके चल रहे हैं खुद ही मैनुस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, प्रिंट कराने जा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए, 8 आना बचाने के लिए कृष्णा प्रभुपाद जी जो है कितना चल के जाते थे, बहुत पैसे की तंगी रहती उस समय की बात है, 70s की बात है, तो कितना प्रयत्न करते थे और फिर वही सब प्रयत्न, कई बार चक्कर आके गिर जाते थे, तो वही सब प्रयत्न देख के फिर कृष्णा ऐसी कृपा की। तो प्रयत्न हमें करना जरूरी है, माँ फल कर्म फल हेतु, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, बट फिर भी प्रयत्न करते रहना है, आलस नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और कैसे प्रयत्न करना है तात्पर्य में आचार्य बताते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके आप 3 A में समझ सकते हैं, अटेंशन अवेयरनेस एब्जॉर्प्शन। अटेंशन, ध्यान से कार्य करना है, अपने कार्य को ध्यान से करना है। आप देखते होंगे जब कोई माता है बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसके पसंद का चीज़ बना के रखेगी, माता को पता होता है उस बच्चे को क्या पसंद है, बना के रख देगी, या उनको कौन सा ड्रेस पसंद है, कौन से कलर का ड्रेस पसंद है, वही कलर का ड्रेस दुकान से खरीद के लाएंगे। तो क्या हो रहा है, क्यों कर रही है ये सब, क्योंकि वह माता क्या कर रही है, उसकी माँ क्या कर रही है, शी इज़ पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स। प्रेम अर्थात प्रेम का क्या अर्थ है, सिर्फ लव यू बोलने से नहीं होता है, प्रेम का अर्थ क्या है, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिटेल, एक एक चीज़ बारीकी से करना है, जो हम कार्य कर रहे होते हैं बारीकी से करना है, एक एक अटेंशन दे करके ध्यान से किसी भी स्टेप को ना छोड़ते हुए वो कार्य करना है ना, आलसपना करते हुए आधे मन से ये कार्य करने से बाद में बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, भगवान पूरा बता रहा, अच्छे से कार्य करो, मैं प्रयत्न कैसे करना है वो सब भी समझा रहे, बाद में मैं रिजल्ट दूंगा ना, मैं हूँ चिंता मत करो, है ना। इसलिए अर्जुन क्या बोलते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अर्जुन से पूछा गया आपने सेना क्यों नहीं चुने, सारा माखन तो वो लेके चले गए, अर्जुन क्या बोले, माखन चोर मेरे पास है तो माखन की क्या चिंता है, वह चुरा के लेते आएंगे। तो हमारी, हमें प्रयास करना है, प्रयत्न इतना अच्छे से करना है, और फिर हमारी डोरी जो है भगवान के हाथ में रख देनी है, अटेंशन से कार्य करना है, भगवान जिता देंगे। दूसरा क्या है, अटेंशन के बाद अवेयरनेस, अवेयर रहना है हर कार्य के प्रति, हर डोंट्स डूज डोंट्स के प्रति अवेयर रहना है, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, सभी अवेयर रहना है, अच्छे तरह से कार्य करना है। जो निगेटिव चीज़ें प्रोज आगे का सोचते हुए, जो लीडर होता है वो 10 कदम आगे का सोच कर कार्य करता है, जो अच्छे बिजनेसमैन है उसकी भी स्ट्रैटेजी भगवदगीता में सब बताई गई है, सारे बिजनेस फार्मूला भगवदगीता में है, सारे मैनेजमेंट फार्मूला भगवदगीता में है। तो अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं कि आगे का 10 कदम आगे का सोच करके अवेयर रहना है, क्या करने से क्या गलत कार्य होगा, क्या सही होगा, वो अवेयर रह गए आप कार्य करिए। अंत में बता रहे एब्जॉर्प्शन से कार्य करना है। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इतना सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ड्रेसिंग हुआ था, कितना एब्जॉर्प्शन लगता है उसमें, एक एक पगड़ी आप सोच रहे हैं ऐसी बन गई नहीं, एक एक पगड़ी सोच के बनाई जाती है, कहाँ पे और सुंदर रखा जा रहा है, कहाँ ड्रेस लगाया जा रहा है ना। और आप सुंदर दूसरे मंदिर में राधा कृष्ण का ड्रेसिंग देखेंगे, वो तो और भव्य रूप से होता है, इतना सुंदर उनकी सजावट होती है। एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया जाता है, एक ये धार हथियार है, हथियार को धार लगा रहता है एक व्यक्ति हथियार को धार लगा रहा है, वो कैसे घिसते रहते धार लगाते हैं ना, पत्थर पे घिसने से धार लगाते हैं। तो एक व्यक्ति हथियार को धार लगा रहा था और उसके पास से राजा एक पूरा अपना सेना के साथ में बड़ा बैंड बाजा करते हुए पूरा ग्रुप चला गया, उनके पास से गुजर गया और पीछे से एक व्यक्ति पीछे छूट गए थे, वो आकर के फिर कहाँ गए, कौन से रास्ते में गए, फिर ये जो हथियार पे धार लगा रहा था इस व्यक्ति से आके पूछे कहाँ गए, वो कहाँ गए आपको पता है, कौन कहाँ गए पता नहीं,
तो इतना वो धार लगाने में इतना मग्न था कि इतनी बड़ी यात्रा साइड से चली गई, पता नहीं चला। आइंस्टाइन के बारे में आता है, मैंने पढ़े हमने कि अपने वो लाइफ में जाकर के सालों साल, कई साल तक वहीं पे अंदर रह जाते थे, है ना, महीनों तक अंदर रह जाते थे, खाना पीना तक भूल जाते थे, है ना। तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, जितना ज़्यादा हम एब्जॉर्ब रहेंगे उतना ही हम, हमारा प्रयत्न अच्छा रहेगा। और फिर क्या होगा, 2.48 में भगवान बोलते हैं, इसी श्लोक के जस्ट नेक्स्ट बाद में क्या बोलते हैं, योगस्तु कर्म कर्माणि संगस्त्व तक्तु संग तक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। समत्वम, जब इतना कुशलता से हम कार्य कर रहे होंगे, इतना मेहनत से, इतना कुशलता से कार्य कर रहे होंगे, तब हम फेलियर और सक्सेस में, लाभ हानि में इक्वल रहेंगे। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर का एग्जांपल दिए थे, एक और बास्केटबॉल प्लेयर का एग्जांपल आता है कि वो अच्छी तरह से, वो एक एक कोर्ट का, एक एक एरिया का इतना अच्छे से जानता था कि वो एक बार उसने उस जगह पे ऐसे बॉल, बास्केटबॉल में कैसे रहता है, ऐसे डम्बलिंग करना रहता है, तो डम्बलिंग करके वो जा रहा था कोर्ट के कॉर्नर से, एक बार डम्बलिंग कर रहा था और उसे गलती से क्या हो गया, बॉल बाहर चला गया। अब वो मैच को वहीं रुका देता है, बोले बॉल मेरे हाथ से बाहर जा ही नहीं सकता, इस कोर्ट के इस एरिया में प्रॉब्लम है। और फिर वहाँ पे चेक किया गया, बाकी एरियाज़ में बॉल को जितना डम्बलिंग किया जाता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उस एरिया में डम्बलिंग करने से उतनी हाइट ही नहीं जा रही थी, तो उस एरिया में फॉल्ट था। तो ऐसे जब हम कर्म को एकदम कुशलता से करेंगे तब हम लाभ हानि में सम रहेंगे, सक्सेस और फेलियर पे सम रहेंगे, सक्सेस भी हो रहा है फेलियर भी हो रहा है, क्योंकि हमने अपना कार्य कर दिए कुशलता से कार्य कर दिए, तो हमें फेलियर भी हो रहा है, तो वो भी क्या है, कुशलता है, सक्सेस है। सक्सेस इज नॉट इन द ट्रॉफी वॉन, ट्रॉफी जीतने में सक्सेस नहीं है, सक्सेस इज इन रेस रन। अगर एक व्यक्ति है वो जो कैट एग्जाम होता है, कैट की तैयारी कर रहा है, कैट की तैयारी करने के लिए कई सारे शब्दों को याद करना पड़ता है, डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी स्ट्रांग करनी होती है ना, पर कैट की तैयारी करते हुए फेल हो गए, कैट में 99.98% से आपके स्टार्टिंग के कॉलेज छूट जाते हैं, स्टार्टिंग के जो आई एम के कॉलेज होते हैं, ABC अलाहाबाद और ये सब, ABC IIM ABS छूट जाते हैं, कलकत्ता वगैरह 99.9% में आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, 99.99 में आपको मिल जाएंगे, 99 मुझे 96% आया था, मुझे तो बहुत खुशी हो गई थी, बाद में पता चला अच्छा 96 कुछ नहीं होता, 96% भी कुछ नहीं होता, 99.99 में फाइटिंग हो रही है वहाँ पे, हजारों स्टूडेंट से 99.99 में और 10,000 स्टूडेंट से 99.98 में, 99.97 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 99 के ऊपर ही लाख स्टूडेंट खत्म हो गए, रैंकिंग सारी खत्म हो जाती है ना। तो पर क्या जो शब्द याद किया गया, शब्द कोश जो भरा गया, इतना मैंने जो पढ़ाई किया वो वेस्ट हो गया, या कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, कई सारे टॉयफेल है, सीलैट है, कई सारे एग्जाम्स है, और भी दूसरे जगह जाके ट्राई कर सकते हैं, कई सारे है ना, लाइफ इज नॉट एंडिंग एट वन पॉइंट। ट्रॉफी जीतने में हमारा सक्सेस नहीं है, रेस रन में जितना मेहनत की वो रेस जो जीते ना उसमें कुशलता है, उसमें ज़्यादा हमें सक्सेस प्राप्त होता है। तो इसी में 50वां श्लोक बहुत सुंदर भगवान बोल रहे हैं, 50वां श्लोक आप पढ़िएगा, 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मशु कौशलम। यहाँ पे बता रहे क्या है, नो रिएक्शन, योग मतलब कार्य हमें करना है, और ऐसे कार्य जब हम पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर छोड़ के कर रहे हैं, अपने कार्य को प्रसन्नता से कर रहे हैं, पूर्ण हर तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कार्य में हम बंधन में नहीं फंसते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है। वही 51 वाले श्लोक में बताएंगे क्या है, कर्म जन्म बुद्धि युक्त फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता
पदम गच्छति अनामयम। क्या बोल रहे हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ता इस जो मनुष्य जन्म में मिला है, जब ऐसे प्रयत्न करेंगे बिना कर्म फल की इच्छा रखते हुए, पूर्ण रूप से कृष्ण पे भरोसा रखते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, अपने कर्म भी करने हैं, भगवान की आराधना भी करनी है, कर्म भी कुशलता से, आराधना भी कुशलता से, फिर क्या हो जाएगा? न कर्म बंधन में हम फंसेंगे और इस जन्म मृत्यु साइकिल से भी निकल जाएंगे, जन्म मृत्यु के साइकिल से हम निकल जाएंगे। वही यहाँ पे बता रहे पदम गच्छन्ति अनामयम, हम निकल जाएंगे। और अंत में यहाँ पे भगवान वेद के बारे में बता रहे हैं, 52 पढ़ के एंड करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यदा ते मोहा कलीलाम बुद्धिर व्यतीर्तिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यसि श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, जब आपकी बुद्धि इस भ्रमित, इतना ज़्यादा भ्रम में डालने वाले हमारे यह वेद है, वेद हमें बहुत ज़्यादा भ्रम में डाल देता है, तो जब इससे निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बता रहे कृष्ण? कि आप बुद्धि युक्त हो जाएंगे, बुद्धि योग में स्थित हो जाएंगे, बुद्धि योग में। और फिर आगे के श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या यह थ्योरी आप मुझे पहली बार समझा रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम कैसे रिजल्ट पे भरोसा नहीं करें, मतलब हम, कोई व्यक्ति अगर खाना बना रहा है तो बिना टेस्ट किए कैसे बनेगा? हमें नमक का तो अंदाज़ा रखना पड़ेगा ना, नमकीन हो रहा है किस, मीठा हो रहा है, तो रिजल्ट की चिंता किए बिना कैसे हम कार्य करें? हम बिजनेस कर रहे हैं, रिजल्ट की चिंता किए बिना कैसे हम आगे बढ़े? तो ये क्या सिर्फ आप मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसा कोई है जो कि कर चुके हैं? तो आगे चल के कृष्ण अगले हम क्लास में सीखेंगे, 2.54 से चर्चा शुरू करेंगे। क्या बता रहे कृष्ण? उसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएंगे। स्थित प्रज्ञ मतलब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो पूर्ण रूप से भक्ति में आश्रित हैं, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हैं, और उनके कार्य कैसे होते हैं। अर्जुन पूछेंगे कई सारे सवाल, वो कैसे कार्य करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे चलते हैं, उनका उनका जीवन चरित्र कैसा है, जो एकदम महान भक्त है, कर्म कर रहे हैं, भक्त फल की चिंता नहीं कर रहे, एकदम आइडियल हो गया ये केस, मतलब बिना फल की चिंता किए कार्य करते रहे। हम हर पल फल की पहली चिंता करते हैं, ऐसे बहुत सारे फिलोसफी कृष्ण बता दिए। तो अर्जुन पूछा है क्या कोई ऐसा कि मेरे को ऐसा आप आइडियल चीज़ें सिखा रहे हैं? तो कृष्ण क्या बता रहे? बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, वो अगले हम क्लास में सीखेंगे। 2.54 से हम अगली बार पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन के रूप में आज हमने क्या क्या अध्ययन किए? सबसे पहला मेजर तो हमने 2.47 श्लोक को हमने समझने का प्रयास किए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसके आधार पे आगे के श्लोक हैं। तो इसमें पहला हमने जो देखे, जो कर्म है उसी पे हमारा अधिकार है। तीन प्रकार के कर्म पड़े, नित्य कर्म, काम्य कर्म और निषेध कर्म। फिर उसमें विकर्म और अकर्म के ऊपर चर्चा किए, ठीक है, इन सब के ऊपर चर्चा किए। और उसमें भगवान कैसे कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखे कि हमें रिजल्ट के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो यह सब कृष्णा बता रहे। एक साइकिल बता देते हैं, कॉज ऑफ बॉन्डेज, बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट, क्योंकि रिजल्ट के प्रति हम अटैच रहते हैं। मुझे अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उसके हिसाब से खुश हो जाएंगे और कार्य करेंगे और कार्य, उससे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ एक्शन, फिर हम रिस्पॉन्सिबल बंधन में पड़ जाएंगे। बंधन का मुख्य कारण ही क्या है? क्योंकि हम क्या है? रिजल्ट के प्रति अटैच, फल के प्रति अटैचमेंट रखना ही बंधन का कारण है। बंधन से हम कैसे बचेंगे? फल के प्रति आप निरासक्त हो जाइए, प्रैक्टिस से होगा, अचानक नहीं होगा। और अंत में हमने बहुत सुंदर कहा, जो आप 50 और 51 यह श्लोक आप पढ़िएगा, इसमें बता रहे हैं कि अगर हम बहुत पूर्ण कुशलता से कार्य कर रहे हैं तो जन्म मृत्यु के साइकिल से हम बच जाएंगे। जन्म प्रसाद के लिए बोलिए, पार्थ पार्थ को बोले ना, पार्थ, तो जन्म मृत्यु के साइकिल से बच जाएंगे। इनडिफरेंस टू वेदा, वेद के बारे में बताया, वेद का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, यही है कि स्थित प्रज्ञ है ना, कर्म का कौशलता, कर्म कैसे करना चाहिए, क्या सोच के कार्य करना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में पिछले में क्लास में निष्काम कर्मयोग के बारे में पढ़े थे, हमारे कर्म करते हैं, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, सोच के बारे में बताया कृष्ण, कैसे कर्म करना है ये सब के बारे में बताया।
अगले क्लास में हम लोग सित प्रज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। सित प्रज्ञ कौन है, कैसे उनका कार्य होता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।